प्रति का भाग एक से कक्षा नौवीं का पाठ तीन रीढ़ की हड्डी के बारे में हम पढ़ेंगे। अब है आपके पाठ का सार, रीढ़ की हड्डी का पाठ का सार। इस पाठ में लेखक ने अपने बचपन के कभी ना भूलने वाली घटनाओं का वर्णन किया है और उन्होंने अपने बचपन के सांप से लड़कर चींटियों का बचाव का चित्रण किया है। ठंड में वह खेल रहे थे और वहां पर सांप निकला और वहां से खेल कूद में व्यस्त थे। तभी वह लेखक अपने छोटे भाई को लेकर घर से निकले। साथ में उन्हें हृदय में किसी अपराध के कारण पिटने का डर भी लग रहा था। जब वह घर पहुंचते हैं तो उनके भाई पत्र लिख रहे थे कि लेखक ने बड़े भाई को चिट्ठियां दी और उन्हें मक्खनपुर पोस्ट ऑफिस में डालने को कहा। लेखक उनके छोटे भाई अपने डंडे लेकर चल दिए। उन्होंने चिट्ठियों को टोपी में रख लिया क्योंकि कुर्ते में जेब नहीं थी। वे लोग एक ही सांस में गांव से 4 फरलांग दूर कुएं के पास आ गए और जहां पर एक अति भयंकर काला सांप पड़ा था। कुआं कच्चा था, 24 हाथ गहरा था, उसमें पानी नहीं था। लेखक और उसके सहपाठी लेखक और सहपाठी स्कूल जाते समय उस कुएं में प्रतिदिन ढेला डालते और सांप की आवाज़ सुनते थे। लेखक ने आज भी एक ढेला उठाया और उछल कर एक हाथ से टोपी हाथ से टोपी पहना दी और उन्होंने उतार के रख ली। टोपी के हाथ में लेते ही तीनों चिट्ठियां कुएं में जाके गिर गईं। लेखक को लगा मानो जान निकल गई है। वे दोनों कुएं की पाट पर बैठकर दहाड़े मारकर रोने लगते थे। कुछ देर फैसला लेते करते कि लेखक अंदर जाकर चिट्ठियां निकालेंगे। उन लोगों ने धोतियों और रस्सियों में गांठे लगाकर एक बड़ी रस्सी तैयार की। रस्सी के एक छोर पर डंडा बांधकर कुएं में गिरा दिया और दूसरी छोर को एक एक लकड़ी से बांधकर छोटे भाई को हाथ में दे दिया। नीचे सांप फन फैलाकर बैठा था। लेखक धीरे धीरे निचर नीचे उतरने लगा। सांप के फन की ओर लेखक की आंखें टिकी हुई थी। नीचे डंडा चलाने का स्थान नहीं था। लेखक को अपनी योजना असफल होती लगने लगी। दो चिट्ठियां सांप के पास पड़ी थी, तभी एक चिट्ठी लेखक के पास पड़ी रही। तू चूंकि अभी एक सांप ने उनको हमला नहीं किया था, इसलिए लेखक ने भी डंडा से फन को दबाने का प्रयास नहीं किया। डंडे को लेखक ने जैसे ही सांप की दाई ओर पड़ी चिट्ठी की तरफ आगे बढ़ाया, सांप ने अपना विष छोड़ दिया। जो डंडे पर लगा डंडा लेखक के हाथ से छूट गया। सांप ने डंडे को ऊपर 3 प्रहार किया। छोटे भाई को लगा कि लेखक का काम तमाम हो गया और उसकी चीख निकल गई। लेखक ने डंडे को उठाकर फिर लिफाफा उठाना चाहा, परंतु सांप ने फिर वार किया। इस प्रकार लेखक के हाथों से डंडा नहीं गिरा, परंतु सांप का पिछला भाग लेखक के हाथों को छू गया। लेखक ने डंडा पटक दिया और डंडे लेखक की ओर खिंचाने से सांप दोनों की जगह बदल गए। लेखक ने तुरंत ही लिफाफे को पोस्ट कार्ड चुन लिया और धोती वाले रस्सी में बांध दिया, जिन्हें उनके छोटे भाई ने ऊपर खींच लिया। लेखक को निशान उनका डंडा सांप के पास गिरा था, इसलिए निकालने में लेखक को बड़ी कठिनाई हुई। निकालने के बाद हाथों के बल ऊपर चढ़ना भी कठिन काम था, लेकिन 11 वर्ष बाद उम्र में 36 फुट चढ़े उन लोगों ने वहाँ विश्राम किया और एक लड़के जिसने लेखक को ऊपर चढ़ते देखा, उसे किसी ने बताने को राजी किया। 10वीं पास करने के बाद लेखक ने यह घटना माँ को सुनाई और माँ ने अपने अपने गोद में उन्हें बिठा लिया। अब पढ़ेंगे हम शब्दों का अर्थ। चिल्ला जाड़ा यानी बहुत अधिक ठंड। आशंका यानी डर लगना। मज्जा यानी हड्डी के भीतर भरा मुलायम पदार्थ। ठिठुरना यानी कांपना। झूरे यानी तोड़ना। मूक यानी मौन। प्रसन्न वदन यानी प्रसन्न चेहरा। उझकना यानी उचकना। प्रतिध्वनि यानी किसी शब्द के उपरांत सुनाई पड़ने वाला उसी से उत्पन्न शब्द। किलोले यानी क्रीड़ा। वृक समूह यानी हिरणों का झुंड। प्रवृत्ति यानी मन का किसी विषय की ओर झुकाव। मृग शावक यानी हिरण का बच्चा। दाढ़े यानी
जोर जोर से रोना, उद्वेग यानी बेचैनी, कपोलों पर यानी गालों पर, दुधारी यानी दो तरफ से धार देने वाली, दृढ़ यानी पक्का, आलिंगन यानी गले लगना, आश्वासन भरोसा, और अग्रभाग यानी अगला हिस्सा, प्रतिद्वंदी यानी विपक्षी, परिधि यानी घेरा, एकाग्र चित्ता यानी स्थिर चित, सूझ उपाय, समकोण 90 अंश का कोण, चक्षु श्रवा आंखों से सुनने वाला, आकाश सुमन कोरी कल्पना, पैत्रो यानी स्थिति, अचूक यानी खाली न जाने वाला, अवलंबन यानी सहारा, कायल यानी मानने वाला, गुंजलक यानी कुत्ती, तागिद यानी बार बार चेतावनी की क्रिया, देने यानी पंख। पाठ्य पुस्तक के आधार पर अब हम प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपको अपनी कॉपी पर लिखना है और पढ़ना है। प्रश्न है पहला, राम स्वरूप गोपाल प्रसाद बात बात पर 1000 हमारा जमाना था कहकर अपने समय की तुलना वर्तमान से क्यों करते थे, इसका उत्तर बताएं, तर्क संगत में दें। राम स्वरूप गोपाल प्रसाद दोनों पुराने जमाने के बुजुर्ग हैं, दोनों को वर्तमान जमाने की तुलना में अपना जमाना याद आता है, ये यादें स्वाभाविक है, इन यादों के लिए इन्हें प्रयत्न कर नहीं करना पड़ता, ये आप मन में आती हैं, परंतु तुलनाओं को दूसरों के सामने पकड़ करके नीचा दिखाना गलत है। ऐसा करने से बुजुर्ग हाथों से ऐसा हथियार ले लेते जिसकी कार वर्तमान पीढ़ी के पास नहीं होती। यो भी हर जमाने की अपनी स्थितियाँ होती हैं, जमाना बदलता, कुछ कमियाँ होती, सुधार होते हैं और एक तरफा अनुभव भी होते हैं, तर्क संगत नहीं है। यह मनोरंजन की ठीक तो है किंतु इसका कोई महत्व नहीं है। दूसरा प्रश्न था, राम स्वरूप की अपनी बेटी उच्च शिक्षा दिलवाने विवाह के लिए छिपाना, यह विरोधाभास उसकी किस व्यवस्था को उजागर करती है। राम स्वरूप लड़कियों को उच्च शिक्षा दिलाने की पक्षधर है, उन्होंने उमा को कॉलेज की शिक्षा दिलाकर बीए पास कराया और उनका उमा संगीत कला आदि का भी ज्ञान दिलाया। राम स्वरूप चाहते थे उमा की शादी अच्छे परिवार में संयुक्त से उच्च शिक्षित मिला, वर भी मिला, उसकी सोच अच्छी ना थी। लड़के का पिता, लड़का स्वयं, लड़का दोनों ही चाहते थे कि उन्हें 10वीं पास लड़की ही चाहिए। एक लड़की का पिता होने के कारण लड़के वालों की इच्छा को ध्यान में रखकर कर्तव्य और वक्तव्य का विरोधाभास है, योग्य पुत्री से विवाह हो। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप उमा से जिस प्रकार के व्यवहार की अपेक्षा कर रहे हैं वह उचित क्यों नहीं। अपनी बेटी का रिश्ता तय करने के लिए राम स्वरूप अपनी बेटी से अपेक्षा करते हैं कि सजधज कर सुंदर रूप में पेश आए, इसके लिए वह पाउडर आदि बनावटी साधनों का उपयोग करें, वह आने वाले मेहमानों के सामने ढंग से बात करें, कुव्यवहार कुशलता से उनका दिल जीत ले, जो गुण ठीक तरह से प्रकट हों और पति और ससुर को पसंद आ जाए। लड़की के रूप में वह पेश करता पढ़ी लिखी लड़की को और उसके बाद राम स्वरूप का व्यवहार ढोंग और दिखावे को बढ़ावा देता है, यह झूठ पर आधारित है। बीए पढ़ी लिखी होकर भी मैट्रिक बताना सरासर धोखा है, ऐसे ठगी पर खड़े रिश्ते कभी टिकाऊ नहीं होते। पाउडर लगा कर सुंदर दिखना धोखे में रखता है और राम स्वरूप के इस विकार का व्यवहार का हम उचित नहीं कह सकते। अब है प्रश्न 4, गोपाल प्रसाद विवाह को बिजनेस मानते हैं और राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाते हैं, क्यों। गोपाल प्रसाद वकील हैं, वे चालाक हैं, किस्म के इंसान, वे मानवीय रिश्तों से अधिक महत्व पैसों को देते हैं, शादी जैसे पवित्र संस्कार को भी वे बिजनेस की तराजू में तौलते हैं। बिजनेस शब्द से उनकी इस मानसिकता का पता चलता है और राम स्वरूप चाहते हैं कि उनकी बेटी उमा का रिश्ता गोपाल प्रसाद के लड़के शंकर से हो जाए। मेडिकल की पढ़ाई कर रहा है परंतु समस्या यह है कि गोपाल प्रसाद उनका बेटा दोनों ही चाहते हैं कि लड़की अधिक से अधिक 10वीं पास होनी चाहिए। इस कारण राम स्वरूप अपनी बेटी की उच्च शिक्षा छिपाने के लिए झूठ बोलते हैं और मेरा मानना है कि दोनों समान रूप से अपराधी हैं, पर गोपाल प्रसाद यह अपराध उनकी घटिया सोच तथा रूढ़िवादी सोच का परिणाम है जबकि राम स्वरूप का अपराध उनकी व्यवस्था का परिणाम है। प्रश्न 5 है, आपकी लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी भी है या नहीं। उमा इस कथन का माध्यम से शंकर की किन कमियों की ओर संकेत करना चाहता है लेखक। इस कथन के माध्यम से उमा शंकर की निम्नलिखित कमियों की ओर याद दिलाना चाहता है। शंकर बिना रीढ़ की हड्डी के अर्थात व्यक्तित्व विहीन है, उनका कोई भी निजी मत स्थान महत्व नहीं रहे,
वह अपने पिता के इशारों पर ही करने वाला बेचारा जीव है। उसे जैसा कहा जाता है वैसा करता है। वह पिता की उचित अनुचित सभी बातों का हाँ हाँ करते चला जाता है। ऐसा पति पति योग्य नहीं है। शंकर लड़कियों के पीछे लग कर अपनी रीढ़ की हड्डी तुड़वा बैठा है। उसका सरेआम अपना हो अपमान हो चुका है। अतः वह अपमानित लंपट और दुष्चरित है। उसका शरीर कमजोर है। उससे सीधा तनकर बैठा भी नहीं जाता, इसलिए वह विवाह के योग्य नहीं है। प्रश्न 6 है, शंकर जैसे लड़के या उमा जैसी लड़की समाज को कैसे व्यक्तित्व की जरूरत है? तर्क सहित उत्तर दें। रीढ़ की हड्डी नामक एकांकी का पात्र शंकर उन युवकों का प्रतीक है जो सामाजिक वैचारिक प्रगति आदि से अछूत माने गए, पुरुषों के बराबर नहीं देना चाहते नारियों को सम्मान, और भी अपने व्यक्तित्व समाज को चारित्रिक पतन की ओर उन्मुख करता है। विपरीत उमा उन लड़कियों का प्रतीक है जो अधिकारों के प्रति जागरूक है और समाज को उमा जैसे व्यक्तित्व की जरूरत है। प्रश्न 7, रीढ़ की हड्डी शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट की। रीढ़ की हड्डी एकांकी का शीर्षक सार्थक सफल और व्यंग्यात्मक है। इन नाटक की मूल समस्या वर का व्यक्तिविहीन होना या शंकर समझदार और व्यक्ति संपन्न युवक होता है तो गोपाल प्रसाद की हिम्मत ना होती। वह दो सुशिक्षित वयस्कों के बीच में बैठकर अपनी फूहड़ बातें करे और अशिक्षा को प्रोत्साहन दे। कम पढ़ी लिखी बहू चाहना गोपाल प्रसाद की जरूरत हो सकती थी, शंकर की नहीं। अगर शंकर अपने पिता के रोब दाब में के आगे यूं ही नहीं कर सकता था कि बल्कि उनकी हाँ में हाँ मिलाना पड़ता था उससे, तो यह उसकी कायरता है। उस कायरता को दिखाने के लिए उसे रीढ़ की हड्डी के बिना दिखाया गया है। इस प्रकार रीढ़ की हड्डी व्यंग्यात्मक संकेत पूर्ण सार्थक और सफल शीर्षक है। एक अच्छे शीर्षक में जिज्ञासा होने वाली है, पाठक को आतुर कर दिया, और यह शीर्षक जिज्ञासा आतुर करने वाला। प्रश्न 8 है, कथा वस्तु के आधार पर मुख्य पात्रों का क्यों माना गया है और क्यों? कथा वस्तु के आधार पर मैं निसंदेह एकाकी का मुख्य पात्र उमा को ही मानता हूँ, क्योंकि एकाकी की सारी कथा वस्तु उसी के इर्द गिर्द घूम रही, और मुख्य पुरुष पात्र शंकर चारित्र शारीरिक तार्किक कौशल में भारी पड़ती है। उमा उच्च शिक्षित होने के कारण कला एवं संगीत में निपुण है। एकाकी में एक बार जब उसकी एंट्री होती है तो वह मंच पर अंत तक बनी रहती है। वह अपनी निपुणता से गोपाल प्रसाद और शंकर की निरुत्तर ही नहीं करती, बल्कि उनकी आंखें भी खोल कर रख देती है। एकांकी का समापन भी उमा के माध्यम से होता है, अतः उमा एकांकी की मुख्य पात्र है। एकांकी के आधार पर रामस्वरूप और गोपाल प्रसाद की चारित्रिक विशेषताएं बताइए। उत्तर है, रामस्वरूप प्रगतिशील विचारों का एक विवश होता है जिससे वह बेटी के सुंदर भविष्य के लिए समाज में मान्यताओं के आगे झुकना पड़ता है, इसलिए वह व्यक्तित्व के कुछ पल पक्ष सबल हैं तो कुछ दुर्बल हैं। उनके व्यक्तित्व की विशेषताएं निम्नलिखित, प्रगतिशील है वह और विवश पिता। रामस्वरूप की दुर्बलता के कारण वह शादी अपने अच्छे खानदान में करना चाहता है किंतु नहीं हो पाती। पढ़ी लिखी बहू नहीं चाहते वे नियंत्रण में रखकर उस पर मनमाना रोग चला सके, ऐसी बहू चाहिए उन्हें। गोपाल प्रसाद समाज की गली सड़ी यथा स्थितिवाद भावनाओं का प्रतिनिधि है। वह पुरुष प्रधान है, वह अंग है जो चली रूढ़ीवादियों जैसे तस सही सिद्ध हुआ करता है। दबदबा बनाए रखना चाहता। चारित्र विशेषताएं इस प्रकार हैं, बड़ बोला है और वह बहुत बड़ी बड़ी बातें बोलता। चालाक है गोपाल प्रसाद, घाघ है वह, बेटी सारी बिजनेस मैन से समझता है करना चाहता है, झूठ बोलने में कुशल है, हंसोड़। गोपाल प्रसाद स्वयं भी हंसोड़ है और इधर उधर चुटीली बातें करना में मन लगता है। लिंग भेद का शिकार, गोपाल प्रसाद वकील होते भी लिंग भेद का शिकार, पढ़ाई लिखाई पर लड़कों का अधिकार मानता है लड़कियों का नहीं, और बोलता है दूसरों पर हावी होकर बात करता है। उसकी अपशब्द भरी बातें कुतर्क में उदाहरण देती, जैसे भला पूछिए इन अक्ल के ठेकेदारों से कि क्या लड़कों की पढ़ाई और लड़कियों की पढ़ाई एक बात है? जनाब मोर के पंख होते हैं मोरनी के नहीं, शेर के बाल होते हैं शेरनी के नहीं। यह उदाहरण से बताया है। प्रश्न 10, एकांकी का क्या उद्देश्य है? लिखिए, रीढ़ की हड्डी एकांकी का उद्देश्य है समाज के लोगों की दोहरी मानसिकता सामने लाना, लड़कियों के विवाह में आने वाला
आने वाली समस्याओं की ओर समाज का ध्यान खींचना, एकांकी गोपाल प्रसाद और उनका बेटा शंकर जैसे लोग हैं जो उच्च शिक्षित होकर भी कम पढ़ी लिखी बहू चाहते हैं, स्त्रियों को समानता का दर्जा नहीं देना चाहते, उमा को देखने आए लड़के उन्हें वस्तु की तरह देखते हैं और अप्रत्यक्ष रूप से दहेज की मांग करते हैं, इसके अलावा शंकर जैसे युवा का अपनी पढ़ाई पर ध्यान न देना उसकी चारित्रिक दुर्बलता की ओर ध्यान आकर्षित करता है। काकी का यही उद्देश्य है। प्रश्न 11 है, समाज में महिलाओं को उचित गरिमा दिलाने वाले कौन कौन से प्रयास करना चाहते हैं? हम निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं, जैसे लोगों में सुशिक्षित नारी के लाभों का प्रचार कर सकते हैं, सुशिक्षित बहू को स्वीकार करके उन्हें सम्मान दे सकते हैं, सुशिक्षित कन्याओं को नौकरी दिलाकर उन्हें पुरुषों के समान महत्व दे सकते हैं, कम पढ़ी लिखी बहू चाहने वालों को समझा बुझा कर रास्ते पर ला सकते हैं आदि, यही सब बताया गया है और यह सब प्रश्न आपको कॉपी में करना है।